नोएडा में लिफ्ट में फंस गया युवक। करीब दो घंटे तक युवक लिफ्ट में फंसा। रात करीब 3 बजे लिफ्ट में फंसा युवक। सुबह डिलीवरी बॉय के पहुंचने पर लिफ्ट को बाहर से खोला गया है। ग्रेट नोएडा वेस्ट के लेजर पार्क सोसाइटी का मामला है। लेजर पार्क सोसाइटी के टावर A2 का मामला है। पीड़ित प्रशांत A2 टावर के फ्लैट में रहता है। पीड़ित ने लीगल एक्शन की बात कही। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, लगातार लिफ्ट में फॉल्ट के केसेस सामने आ रहे हैं, अब ये शख्स कैसे लिफ्ट के अंदर फंस गया 3 बजे, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लेजर पार्क सोसाइटी का मामला है और जो युवक है प्रशांत, वो अपनी शिफ्ट खत्म करके निजी कंपनी में कार्य करता है और लिहाजा नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने पास से वहां से जब निकले 3 बजे सोसाइटी पे पहुंचे और लिफ्ट में जैसे ही एंटर किया है उसके दौरान ये युवक फंस गया और करीब 1.5 से 2 घंटे के आसपास ये युवक फंसा रहा है। और आपको बता दें कि इस दौरान लिफ्ट के बटन अंदर से काम नहीं कर रहे थे, इमरजेंसी अलार्म नहीं काम कर रहा था और ना ही आसपास कोई सोसाइटी का गार्ड था। और लिफ्ट के अंदर क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करते हैं, लिहाजा युवक 1.5 घंटे से 2 घंटे के आसपास फंसा रहा। और सुबह जब 5 बजे के आसपास डिलीवरी बॉय आया वहां पर, उसने लिफ्ट की बाहर से बटन दबाई, इस दौरान लिफ्ट का गेट खुला और तब युवक बाहर आया है। ऐसे में देखा जा रहा है लगातार लिफ्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं और एक के बाद एक, हालांकि लिफ्ट एक्ट बना दिया गया, जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में किस तरीके की कार्रवाई की जाती, क्योंकि यह घटना मंगलवार देर रात की है। कल युवक ने अपने सोसाइटी में जो AO है उसको भी जानकारी दी है और उसका कहना है कि अगर इस पूरे प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो वो जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और आगे की कार्रवाई करेगा। जी।